नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा और आज का विषय शुरू करने से पहले सभी को जय हिंद। सो आप सभी को पता है कि मैं अपने संगीत साधना म्यूजिक एकेडमी के चैनल पर हमेशा कोई ना कोई ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर रहता हूँ। सो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है राग बिलावल पर फरी। दोस्तों, ये जो मैं हारमोनियम फरफरा रहा था ना, मैं चाहता हूँ कि ये चीज आपके हाथ में आए। मतलब एक होती है ना दिल की ख्वाहिश की मैंने हारमोनियम ऐसा सीखना है कि जो कि मतलब बहुत जबरदस्त हो। मतलब दोस्तों, जब आप हारमोनियम बजाओ तो 10 घरों में आपकी हारमोनियम की आवाज जानी चाहिए, पता लगना चाहिए किसी ने हारमोनियम बजाया। तो दोस्तों, आज मैं आपको राग बिलावल की फरी सिखाऊंगा। फरी कुछ ऐसे है, बिल्कुल है गपसा निसारे गारे सानी धापा मागरे सा। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। गापा सा निसारे गारे सानी धापा मागरे सा। गा हाई पिच का, रे हाई पिच का, सा हाई पिच का। गापा सा अंगूठा पहली दूसरी उंगली और ये चौथी उंगली लेनी है। गापा निसारे गारे सानी धापा मागरे सा। इसको तेज करना है, तितली की जैसे फरफराना है ऐसे। गा की उंगली ये, रे की उंगली सा की ये। गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसको हाई पिच पे लेना, गा सा नी सा रे गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। मतलब ये प्रक्रिया आपने काफी टाइम तक करता रहना। गपसा निसा रे गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। उसके बाद गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा मीडियम पिच पे आना है, फिर वाला लो पिच पे। गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा, मतलब हाथ को ऐसे से करना है। गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। मेरे दोस्तों, बिल्कुल सीधा सा पैटर्न है। गरे सानी धापा मागा रेसा, गरे सानी धापा मागा रेसा, गरे सानी धापा मागा रेसा। गपसा निरे गरे सानी धापा मागा रेसा, गरे सानी धापा मागा रेसा। मतलब अब इसको 3 भागों में बजाना है। गपसा निसारे गरे सानी धापा मागा रेसा, गपसा निसारे गरे सानी धापा मागा रेसा, गपसा निसारे गरे सानी धापा मागा रेसा, गपसा निसारे गरे सानी धापा मागा रेसा। मतलब शुरू यहाँ से, फिर यहाँ आना है। गपसा निसारे गरे सानी धापा मागा रेसा, गरे सानी धापा मागा रेसा, गपसा निसारे गरे सानी धापा मागा रेसा, गरे सानी धापा मागा रेसा, गरे सानी धापा मागा रेसा। अब इसको खुल के बजाना है। अब दोस्तों, उसके बाद एक प्रैक्टिस ये करनी है। मतलब घंटों आपने ऐसे से करना है, तो ये भी हाथ की प्रैक्टिस है। ठंड की वजह से उंगलियां नहीं चल रही दोस्तों, बताने के लिए तो बहुत कुछ है। आपने बस इतना करना, गापा सा निसा रे गरे सानी धापा मागा रेसा, गरे सानी धापा मागा रेसा। पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। गापा सा निसा रे गरे सानी धापा मागा रेसा, गापा सा निसा रे गरे सानी धापा मागा रेसा, गरे सानी धापा मागा रेसा, गरे सानी धापा मागा रेसा। सो दोस्तों, आपने इतना सा पैटर्न तैयार करना है। अगर आपको नहीं समझ आता था
तो मुझे कॉल करें, मतलब व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेज सकते हैं। नहीं समझ आता तो वीडियो कॉल कर लो और सीख लो, मतलब हाथ बिल्कुल चलना चाहिए ऐसे। मतलब एक कहावत है ना कि पेट से सीख के कोई नहीं आता, मतलब यहाँ सीखना पड़ता है गुरु के पास रह के। तो जब तक कोशिश नहीं करोगे तो आएगा कैसे, मतलब आपको ये चीज लानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो काफी पसंद आई है। जाते जाते नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।